सजनो, डोबी वाला धाम चमत्कारों से भरा हुआ मंदिर है। अनेकों चमत्कार हनुमान जी के उस मंदिर में होते हैं। एक बार ये भागवी गांव की ही बात है कि उन लोगों ने बाबा के मंदिर से हम देखी कि मंदिर में जाना छोड़ दिया तो बाबा किस प्रकार से नाराज हो जाते हैं। ओड़ों की बारिश हुई और कमाल की बात यह हुई कि सिर्फ भागवी गांव की सीमा के अंदर ही वो ओड़े गिरे। लोगों की आंख खुली कि बहुत बड़ी गलती हमने की, वही महिमा लिखी है कैसे। डोबी आले दादा हनुमान की, अरे महिमा निराली से है। डोबी आले दादा हनुमान की, अरे महिमा निराली से। डोबी आले दादा हनुमान की, महिमा निराली से। मन भागी काम को न काम हुए ओड़े, मन भागी काम को न काम हुए ओड़े। मन भागी काम को न काम हुए ओड़े, मन भागी काम को न काम हुए ओड़े। कई कई फूट पड़े तेरे ओड़े, कई कई फूट पड़े तेरे ओड़े। महाबली बलवान की, अरे महिमा निराली से। पवित्र पावन स्थान दाड़ा डोबी वाले का है कि उस मंदिर के प्रांगण में 9 एकड़ वन में कोई थूकता तक नहीं। पेशाब करने की तबात बहुत दूर है। उस बाराती को बहुत समझाया गांव वालों ने कहा, लेकिन वो नहीं माना। जब नहीं माना और अहंकार में भर के दादा डोबी वाले के धाम पर जाकर सो चला जाता है, और जैसी ही जोड़ी में हाथ धोने लगा तो बताते हैं सजनों हाथ आपस में चिप जाते हैं। लाख कोशिश करता है लेकिन छुड़ा नहीं पाता है। आंखें खुल जाती हैं, अक्षमा याचना करता है, दादा मुझे अक्षमा कर दो, मैं नादान हूं, मूर्ख हूं, मेरे से गलती है, मैं तेरे धाम की पूजा करूंगा, तेरी स्वामिनी लगाऊंगा। दादा हनुमान जी बड़े दयालु हैं, पल भर में हाथ अलग हो जाते हैं। कैसे हनुमान जी बालाजी महाराज का बहुत भव्य मंदिर मेहंदीपुर में बना है। वेद पुराण बताते हैं कि मेहंदीपुर दरबार में भी जोत भागी गांव से गई हुई है। जब भागी वाले वहां दर्शन के लिए जाते हैं तो महंत स्वयं कहते हैं कि भाई वहां तो साक्षात बाबा विराजमान है, वहीं से जोत ये यहां पर आई है। कैसे।
गई यहीं से ज्योति,
माँ।